नमस्कार, भारत समाचार पर आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नक्षत्र। आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। नक्षत्र में हम जानेंगे 12 राशियों का हाल, आज आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आज आपका दिन कैसे बीतने वाला है, साथ ही जानेंगे आज का पंचांग भी। और बताने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है आचार्य राजीव शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों नमस्ते, अस्तुते महामाय श्री पीठेश्वर पूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। और इसी के साथ साथ पंचवक्त्र यानी पांच मुख, पंचवक्त्रम महाभीमं त्रिपंचनैनैरुतं बाहुविदर्शभिरुतं सर्व कामार्थ सिद्धिदं, सारे ही कार्यों का। और इसी के साथ साथ मंगलवार को और श्रावण मास पे मंगला गौरी की प्रधानता, सारे ही कार्य माता रानी जरूर पूरे करें। और इसके साथ साथ ज्योतिष विद्या में ग्रहों को भी संचालित करें, ये परम शक्तियाँ यही हम सब लोग चाहते हैं, जिससे सुख शांति समृद्धि का वास हो। तो आज हम जानेंगे मेष से लेकर मीन राशि तक का क्या कहता है भविष्यफल, और इसके साथ साथ आज का पंचांग क्या कहता है, जिससे कि आपका दिन सुव्यवस्थित हो, आप सुखी रहें और संपन्न रहें। बिल्कुल, तो चलिए आचार्य जी से जानते हैं 12 राशियों का हाल, मेष से लेकर मीन तक आज आपका दिन कैसे रहने वाला है और जो भी थोड़ी बहुत कमी है वो आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, आचार्य जी बताएंगे। शुरू करते हैं मेष राशि से। प्रथम राशि मेष राशि, आज आपकी तो नई योजनाओं में वृद्धि होगी, नई योजनाओं के साथ नए नए उपक्रमों में आपकी सहभागिता मांगी जाएगी, लेकिन इसके साथ अपने परिवार को वक्त देना भी आप नहीं भूलेंगे। तो कुल मिला के उत्तमता का प्रकाश है आज के दिन में। क्या करना है, घर पे कपूर का दिया, यानी अगर नॉर्थ ईस्ट में आज अपने घर पे आप कपूर का दिया जलाते हैं तो आज का जितना भी नेगेटिविटी यानी नेस्ट है वो नष्ट हो सकता है। क्या नहीं करना है आज आपको मेष राशि वालों को, आज कोशिश करें कि आज मंगला गौरी पे बाल इत्यादि कटवाने से आज आपको बचना चाहिए, अन्यथा थोड़ा सा कष्टों का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए बचत जरूरी है, पूर्व दिशा निषेध भी रखिएगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, आज आपका अच्छे लोगों के साथ बढ़ते हुए संबंध और इससे आपका आत्मविश्वास, लगातार की जाने वाली प्रक्रियाओं से आप गुजर के अपने आप को आत्मसम्मान भी दे रहे हैं और साथ के साथ लोग भी आपका सम्मान बढ़ा रहे हैं, तो अच्छे लोगों के साथ आपका तारतम्य बना रहे, इसके लिए इसके देवता शनि देव हैं, तो शनि भगवान को आज आप कार्य दिन चढ़ाएं, जिससे कि सुचारू रूप से आपका जीवन ऐसे ही चलता रहे। शुभ रंग आज आपके लिए गुरु बृहस्पति द्वारा प्रदत्त रंग पीला है। क्या नहीं करना है आज आपको, आज आपको बुरे कार्यों में अगर कोई योगदान मांगे आपका या कोई गलत बात से बचने के लिए आपसे कोई सलाह दे तो आप उससे कहिए कि गलत कार्य ना करो, यानी आज उचित सलाह देने का और बुरे कार्यों में सहयोग ना करने का। साथ के साथ ये भी ध्यान रखिएगा, पश्चिम दिशा से जो भी आप व्यवहार करेंगे वो आज निष्फल हो जाएगा। मिथुन राशि की अब हम बात करते हैं। मिथुन राशि वालों, कैरियर के मोर्चे पर समस्याएं और ज़्यादा, इसके साथ साथ उथल पुथल सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन में जब उथल पुथल आती है तो संभलने के लिए रास्ते कम मिलते हैं। शुभ कार्य कर लीजिए, इसीलिए देखिए सबसे पहले बाग में आज आपको एक पौधा, या बाग हो या कहीं भी हो, एक पौधा आज आपको जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि बुध ही सहायक हैं अभी और हरा रंग ही शुभ है आज। मिथुन राशि वालों, आज आपको जरूर ध्यान रखना है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ यानी कि जहाँ कंजेशन हो, ट्रैफिक इत्यादि हो, वहाँ पे बिल्कुल भी ना जाए और दक्षिण दिशा का बिल्कुल ही निषेध रखें, यानी उसको ना पालन करें उसका। अब हम बात करते हैं कर्क राशि वालों की। आज विशेष रूप से जो आपसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी देखभाल करने के लिए आज आप निश्चित रूप से सजग रहेंगे, तो इस सजगता को और बढ़ा लीजिए। भैरव जी को, भैरव बाबा को सरसों के तेल में घोला हुआ सिंदूर, ये आज आपको जरूर अर्पित करना पड़ता है, सबके पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। शुभ रंग आज आपके लिए नीला सिद्ध हुआ है। क्या नहीं करना है कर्क राशि को, आज अपने से बड़ों से बहस इत्यादि कोशिश करें, आज अगर आप ज़्यादा क्रोध मुद्रा में हैं तो बात ही ना करें, यानी आप कुछ चीज़ों को अवॉइड करें, उत्तर दिशा आज आपको निषेध जरूर रखना चाहिए। सिंह राशि वालों, आर्थिक संतुष्टि आपको आज प्राप्त होगी और इसके साथ साथ
कार्य की गति भी जो प्रतिकूल थी पिछले 3 से 4 दिन से, वो आज से अनुकूलता आपकी पकड़ेगी, अनुकूलता पकड़ेगी। क्या करना है? माथे पर आज आपको तिलक लगाना चाहिए और ये तिलक लाल या ऑरेंज यानी कि नारंगी रंग का हो सकता है। शुभ रंग भी आज आपके लिए कपड़े वस्त्र इत्यादि पहनने के लिए, उपवस्त्र इत्यादि के लिए गुलाबी सिद्ध हुआ है। सिंह राशि वालों, आज आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो मौसमी प्रकोप, उसके अलावा ग्रहीय प्रकोप, चावल का सेवन मना कर रहा है आज। ग्रहीय प्रकोप मतलब प्लैनेटरी डिसऑर्डर, उसको ठीक करने के लिए आज चावल का सेवन ना करें। कन्या राशि की अब हम बात करते हैं। विभिन्न तरीकों से आपके पास कई प्रकार के आय के स्रोत हैं और उनसे आप लाभ लेने में अब आने वाले समय में सक्षम भी होंगे। क्या करना है? गाय को केले का पत्ता, अन्यथा तो केले का फल, ये जरूर आप खिलाएं और इसके साथ साथ शुभता बढ़ाने के लिए आसमानी रंग भी जरूर इस्तेमाल करें। कन्या राशि वालों, आज काले रंग से जरूर परहेज करना चाहिए आपको, क्योंकि काले रंग का प्रभाव आज पूरा दिन बिगाड़ सकता है। जरूर ध्यान रखिए, दक्षिण दिशा भी यानी साउथ, ये भी निषेध रखिए। तुला राशि वालों, आत्मविश्वास आपका काफ़ी बढ़ा चढ़ा चल रहा है, लेकिन दृढ़ विश्वास भी आपका कुछ कठिन कार्यों को हल करने में मदद करेगा। ज़रूरत ये है कि आपका जिनसे भी कार्य पड़ रहा है उनसे संवाद जरूर स्थापित करिए। क्या करना है? किसी भी रिश्तेदार को या किसी भी जो आपका अभिन्न है उसको कोई गिफ्ट इत्यादि, यानी आप उसको कोई किसी प्रकार की कोई चीज़ जो उसके कार्य की हो जरूर दे सकते हैं। स्लेटी रंग आज आपके लिए शुभता का संचार ला रहा है। क्या नहीं करना है तुला राशि वालों? आज बहुत दूर का यानी दूरगामी परिणामों को कम करेगा अगर आज सफ़र दूर करेंगे आप, यानी कि आज आपका ट्रैवल, लॉन्ग ट्रैवल ये अवॉइड करिए। उत्तर दिशा भी निषेध रखिए। वृश्चिक राशि की अब हम बात करते हैं। हताशा, चिंता, मायूसी, निराशा, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं आप क्यों ओढ़े हुए हैं अपने ऊपर, आप अपने मूड में सुधार लाइए और इन सब चीज़ों से बाहर निकलने का आज का दिन है। क्या करना है? आज आपको कन्याओं को भोजन कराना चाहिए, अन्यथा तो कुछ भी खट्टी मीठी चीज़ें छोटी छोटी कन्याओं को आप गिफ्ट या बांट सकते हैं। शुभ रंग आज आपके लिए ग्रे है यानी स्लेटी। क्या नहीं करना है? आज आपको किसी पर भी किसी भी प्रकार से गुस्सा करने से बचना है, क्योंकि क्रोधवंत और मंगल की राशि, ये दोनों में ही समानताएं इधर दिख रही हैं, क्योंकि आपकी राशि पे ही मंगल दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए ज़रा ध्यान रखेंगे। दिशा पूर्व दिशा निषेध है आज। धनुराशि की अब हम बात करते हैं। नवी राशि, गणेश जी की कृपा से बहुत ही उत्तम कार्य करने के बाद और बहुत ही साधना इत्यादि करने के बाद अब आपके कार्य आने वाले समय में सरल हो जाएंगे, सरल तरीके से कार्य आपके हल होंगे, ये एक अच्छा प्रभाव आपका शुरू होगा। क्या करना है? ब्राह्मणों को दान करना और पुजारियों को दान करना या जो भी धार्मिकता से जुड़े हुए लोग हैं उनका मान सम्मान और दान करना बहुत ही अच्छा रहेगा। शुभ रंग आपके लिए धानी, इसके वस्त्र उपवस्त्र का इस्तेमाल करें। क्या नहीं करना है आज आपको? आज आपको स्टील के बर्तन में भोजन करना ये निषेध रखना चाहिए। किसी अन्य प्रकार का पात्र आप ले लें तो अच्छा रहेगा। उत्तर दिशा में भी आपका व्यवहार आपको परेशानी में डाल सकता है, तो दिशा निषेध का विशेष रूप से धनु राशि वालों को आज ध्यान रखना पड़ेगा। बारी आ गई दसवीं राशि, मकर राशि की इच्छाओं और सपनों पर आप काम शुरू कर सकते हैं। काम शुरू करने का समय है, लेकिन बहुत ही सुनियोजित तरीके से चर्चा विमर्श करके तब करें। क्या करना है? भगवान शंकर आपको आराधना बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ फलदायी रहेगी और इसके साथ साथ सुनहरे रंग का प्रभाव भी आज आपके ऊपर अच्छा प्रभाव डालेगा। क्या नहीं करना है? आज किसी भी कार्य में, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, लापरवाही आज आपको ले डूब सकती है। दक्षिण दिशा भी आज आपको निषेध रखनी चाहिए यानी कि साउथ।
कुंभ राशि, ग्यारहवीं राशि शनिदेव की राशि, समस्याएं आपके इस समय हल होने के बजाय और ज़्यादा नेगेटिव होती जा रही हैं। यानी जिसमें भी आप हाथ लगा देंगे उसमें थोड़ा सा अच्छे होने के बजाय गलत ही हो रहा है, इसलिए अभी कुछ धैर्य का परिचय देने का समय है। क्या करना है, किसी गरीब को भोजन आपको कराना चाहिए और अन्नदानम श्रेष्ठ दानम बोलते हैं। जैसे शुभ रंग आज आपके लिए बैंगनी सिद्ध हो रहा है, बैंगनी रंग इसका प्रमाण आपको शुभता देगा। क्या नहीं करना है, भोजन इत्यादि बाहर का जूठा इत्यादि या रखा हुआ बासी इत्यादि ये सब भी करने से ग्रहों की स्थितियां आज आपकी गड़बड़ा सकती हहैं, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। मीन राशि, अब हम अंतिम राशि की बात करते हैं। विश्वास से दृष्टिकोण में आपके थोड़ा सा सुरक्षित महसूस करके, सुरक्षित रह के स्वस्थ दृष्टिकोण से लोगों की मदद करने का आपके अंदर प्रण और संकल्प आएगा। क्या करना है, आज बहुत ही शुभ संकल्प है तो गायत्री मंत्र का जाप इत्यादि करना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। और ऑरेंज रंग अगर आप आज इस्तेमाल करेंगे तो दिन में सोने में सुहागा लगेगा। क्या नहीं करना है, आज किसी को अपने मन की बात बिल्कुल भी शेयर ना करें, विशेष रूप से पर्सनल पूर्व दिशा लेकिन ज़रूर आज आप निषेध रखें। तो दर्शकों, ये था मेष से मीन, मीन से मेष पर्यंत सारी राशियां, आपका दिन शुभ हो। जी बिल्कुल, तो अब आचार्य जी से आपने जान लिया है कि आज आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपने अपनी शुभता दिन की बढ़ा ली। और अब आचार्य जी से जानते हैं आज का पंचांग। जी, दिनांक 13 अगस्त 2019, त्रयोदशी तिथि का मान लगा हुआ है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और श्रावण मास। प्रातःकाल 9:27 तक धनु, तत्पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रमाण मकर राशि पर पड़ा है। श्रावण मास शुक्ल पक्ष राहु काल आज 3:28 से 5:06 तक संध्या काल शुभ सिद्ध हुआ है। शुभ समय 10:44 से 2:37 दोपहर कालिक सिद्ध हुआ है। भारत समाचार के सभी दर्शकों को आज के मंगला गौरी व्रत की इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल, तो आचार्य जी ने आपको बहुत सारी बातें इतने कम समय में बताई है, लेकिन अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं आचार्य जी से विस्तार से, तो आप आचार्य जी का मेल आईडी नोट डाउन कीजिए, acharyanakshatra@rediffmail.com, या आचार्य राजीव शुक्ला जी का जो आप मेल आईडी देख पा रहे हैं वो, और ये फोन नंबर है 8004036524, 8004036524, या आचार्य जी का फोन नंबर है, आप इस पर बातचीत करके आचार्य जी से मिल सकते हैं। तो आचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् पापः। बिल्कुल, तो कल फिर हाजिर होंगे नक्षत्र को लेकर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, देखते रहें भारत समाचार। नमस्कार।